फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, अब हल्की हल्की गर्मी पड़ने लग गई है क्योंकि रात और सुबह की थोड़ी सर्दी रहती है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिन में तो हमें फ़ैन चलाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना वेदर चेंज हुआ है तो आप भी अपने प्रोडक्ट चेंज करेंगे स्किन केयर के। तो आज के मेरे वीडियो में वही सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि समर आने वाली है तो आप भी सोच रहे होंगे कि समर में कौन सा बॉडी लोशन खरीदना चाहिए, क्योंकि विंटर में तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो हम ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही बॉडी लोशन वगैरह खरीदते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो, बट अगर वो बॉडी लोशन हम अप लगाएंगे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली करेगी। तो आज के मेरे वीडियो में यही दिखाऊंगी कि अगर आप भी समर के लिए कोई बॉडी लोशन लेने की सोच रही हैं तो इनमें से ले सकती हैं, क्योंकि सभी मेरे फेवरेट और मैं यूज़ करती हूँ और सभी मुझे बहुत पसंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कौन कौन। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कलर बार की, वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी लोशन, क्योंकि इसकी जो फ्लोरल फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप भी जाती हैं समर में, आपकी एक बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस भी आती रहे बॉडी में से, तो आप ये कलर बार का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब बेस्ट है। इसके अंदर विटामिन ई है, सिया बटर है और ये ऑल डे मॉइस्चर है, ऑल स्किन टाइप है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। 345 रुपीज़ है, मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में आपको इतनी अच्छी फ्लोरल मिलेगी फ्रेग्रेंस आप सोच भी नहीं सकती हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप भी लेने की सोच रही हैं तो एक बार आप मेरे कहने से इसे ज़रूर लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो मतलब बहुत ही फ्रेग्रेंस, बहुत इजी, बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइका का कंट्री रोज बॉडी लोशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। 450 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 200 ml की इसकी क्वांटिटी है और इसकी फ्रेग्रेंस भी रोज़ जैसी है। मोस्टली मैं आपको समर के लिए वही बॉडी लोशन दिखा रही हूँ जो काफ़ी मतलब लाइट वेट है और जिनकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये भी बहुत अच्छा है, नाइका के तो सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। एंड गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं एम कैफिन के कॉफ़ी बॉडी लोशन। अगर आपकी स्किन समर में भी थोड़ी ड्राई रहती है तो फिर आप ये एम कैफिन का यूज़ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करने पे आपको कॉफ़ी जैसी फ्रेग्रेंस अपनी बॉडी में से आएगी जो कि सिया बटर जैसी भी आएगी साथ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इसकी जो प्राइस है वो 375 रुपीस इसकी प्राइस है, 200 ml की क्वांटिटी है। तो आप ये भी यूज़ कर सकती हैं, एम कैफिन के भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि एम कैफिन का तो मैं मतलब जब हल्की हल्की सर्दी या मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है उस टाइम इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, सबसे बेस्ट मेरा वैसलिन का एलोवेरा वाला, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसे कभी आप नहाने के तुरंत बाद गीले में लगाना और उसके बाद देखना आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा कूलनेस आएगी। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, वैसलिन का है, इंस्टेंट ग्लो देता है और साथ ही इंस्टेंट फ्रेशनेस भी देता है बॉडी में। 100 ml की क्वांटिटी है और इसकी जो प्राइस है वो 112 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, बट वैसलिन का भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वैसे वैसलिन के और भी आते हैं बट समर के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। करते हैं निविया का, मुझे निविया का ये वाला बॉडी मिल्क वाला बहुत अच्छा लगता है, समर के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है। बहुत से लोग जब भी निविया का यूज़ करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि समर में कौन सा यूज़ करना है, विंटर में कौन सा यूज़ करना है। तो मैं आज आपके यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। निविया का ये वाला जो होता है वो समर के लिए होता है और ये वाला जो होता है वो विंटर के लिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वालों के लिए होता है और ये होता है नॉर्मल स्किन वालों के लिए। और अब निविया का एक और निकल गया है जो कि बॉडी जेल वाला है, ये एक जेल फॉर्म में आता है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि जैसा आपने कुछ लगा रखा है, लगाते ही ड्राई हो जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकती हैं और समर के लिए ये दोनों बेस्ट हैं और ब्लू वाला विंटर के लिए है, ये विंटर के लिए है तो इसे आप छोड़ दीजिए, आप इनमें से कोई सा भी ले सकती हैं। गाइस, आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर जाती हैं, आपका बाहर आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर आप ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट 24 वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, यूवी या यूवी प्रोटेक्ट करता है। मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम समर में बाहर जाते हैं हम कितना ही ढककर चले जाएं कहीं ना कहीं से हमारी स्किन दिख ही जाती है, तो इसके लिए आप ये यूज़ कीजिए और 199 रुपीस इसकी प्राइस है और इसकी जो 60 ml की क्वांटिटी है। सो ये लैक्मे का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मेरे पर्स में ये छोटा सा
रहता ही है क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि घर से मैं भूल जाती हूँ, तो ऐसे में मैं फिर बाहर लगा लेती हूँ जिससे मेरी स्किन सन प्रोटेक्ट रहे। एंड गाइस, अब लास्ट बात करते हैं VLCC के ऑलमंड हनी डीप नरिशिंग स्किन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन का, जो कि समर के लिए काफ़ी बेस्ट है। आप चाहती हैं कि आपकी स्किन में ब्राइटनिंग आए, साथ ही आपकी स्किन ग्लो करें, तो आप ये VLCC का यूज़ कर सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही अच्छा है। 275 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 350 ml की क्वांटिटी है, तो समर के लिए ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सो गाइज, इनमें से आप कौन सा लेने वाली हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कौन से समर के आप यूज़ करती हैं वो भी कमेंट कीजिए। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी आपको जानना या पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।